बिसम अल्लाम चार जुलाई का आगाज़ हो गया है यानी मंगल के दिन का आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और आज का दिन शुरू होते ही यानी तकरीबन रात बारह बज के और बारह मिनट पर या चौदह मिनट पर एक ख़बर सामने आई कि जो कायम काय सदर हैं सादिक सिंह जरानी उन्होंने सिदारती आर्डीनेंस जारी कर दिया है और नैब में नैब के कानून में कुछ तरमीम कर दी गई हैं कुछ तब्दीलियाँ कर दी गई हैं और लगता यह है कि इमरान खान जो है उनकी गिरफ़्तारी और गिरफ़्तारी के बाद तवील अरसे तक उनको जेल में रखने हिरासत में रखने के जो इंतज़ाम हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं और अब देखना है कि उनको कब जो है वो गिरफ्तार किया जाता है बाहिर उनके जितने भी कानूनी तकाजे हैं या जो कानून में तब्दीलियाँ की जानी चाहिए थी वो तमाम मुकम्मल कर ली गई हैं मैं अभी साकिब बशीर साहब के ट्वीट आपके सामने रखूँगा इंतजार हुसैन मजौौाता साहब जिन्होंने ट्वीट्स किए हैं इमरान खान के जो वकील हैं उनकी ट्वीट भी आपके सामने रखूँगा लेकिन पहले आपको बता देता हूँ कि तब्दीलियाँ क्या की गई हैं स्दारती ऑर्डिनेंस क्या जाए गया है। पहले आपने देखा कि जब से आकर कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला नैब है खत्म करना चाहिए नैब का कानून नहीं होना चाहिए जब इनके तमाम केसेस खत्म हो गए और क्लोज हो गए तमाम केसेज तो अब जब इमरान खान साहब के खिलाफ दो केसेज चल रहे हैं अलकादे ट्रस्ट वाला और तोशाखाना वाला नैब के अंदर तोशाखाना वाला वैसे जो है वो एक जो इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट है वहाँ पर भी केस चल रहा है एक एफ आई आर भी की गई है तोशाखाना केस में और एक नैब भी उसके ऊपर इंक्वायरी कर रहा है तीन जगहों पर तोशाखाना केस जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ चल रहा है और जो ये है अलकादे ट्रस्ट उसमें कई बार इमरान खान पेश हुए हैं आज फिर इमरान खान को और मुश्रा बीबी को तलब किया गया है आज ही इमरान खान और इमरान खान साहब जो हैं वो दस तकरीबन केसेस में जुडिशल कम्प्लेक्स जाएंगे क्योंकि एफ एड कचहरी अभी मुंतकिल नहीं हुई तो इसलिए जुडिशल कम्पलेक्स में आज इमरान ख़ान दस केसेस में जो है वो पेश होंगे इमरान ख़ान के पास अब बुरी इमरान ख़ान के पास इसमें भी जमानत है अभी आज तक के लिए इसमें तोशाखाना में भी और जो अलकादे ट्रस्ट है इसमें भी वो ज़मानतें लेकर और नैब के सामने जाना चाहते हैं लेकिन रात में ही जो जो सदारती ऑर्डिनेस जारी किया गया है कल ही काबीना का इजलास हुआ था यानी तीन जुलाई बरो सोवार पहला काबीना का इजलास था और इसमें यह हुआ कि एक ऑर्डीनेंस की काबी ने जो है वो मंजूरी दी और वो ऑर्डिनेंस अब जो सादिक सिंह साहब है उन्होंने जारी भी कर दिया सादिक सिंह साहब ने जब आरिफ अलवी साहब भाजपा गए हुए हैं उस दौरान सादिक सिंह साहब ने बड़ी तेज़ी से जितनी भी ऐसे कवानीन थे जो हुकूमत चाहती थी उनके ऊपर जो बिल थे उनके ऊपर दस्खत किए अब ये ऑर्डिनेंस है इसके ऊपर वो भी उन्होंने दस्खत करके जारी कर दिया है और इसके तहत ये किया गया है कि पहले ये था के इंक्वायरी से जब इन्वेस्टिगेशन में तब्दील होती थी कोई भी नैब का जो भी आ, उन्होंने इंक्वायरी शुरू की है जब इन्वेस्टिगेशन में तब्दील होती है फिर इंक्वायरी के मुकम्मल रिपोर्ट पहले देना ज़रूरी था आ, जो मुलजिम था उसको और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की स्टेज के ऊपर जो है वो कॉल अप नोटिस जो जारी किए जाते हैं उनको तलब किया जाता है एक बार दो बार तीन बार तीन से ज़्यादा बार जब वो नहीं आता और ताउन नहीं करता तो फिर चेयरमैन नैब जो हैं वो वारंट गिरफ़्तारी जो है वो जारी करते हैं जो इमरान खान साहब नौ मई को गिरफ़्तार हुए थे उसमें ये हुआ था कि नैब ने इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन में बदल दिया आ, वो जो इमरान खान के ख़िलाफ़ मामला था अलकादे ट्रस्ट वाला और उसमें जब आ, मामला गया आ, सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि हाई कोर्ट ने तो आ, आमिर फारूक साहब ने उस गिरफ़्तारी को कानूनी करार दिया था लेकिन उन्होंने कहा था क्योंकि ये कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार किया गया है उस पर उन्होंने कंटेप्ट का नोटिस जारी किया था और साथ ही उन्होंने कहा था कि एफ़ दर्ज करवाई जाए आ, नौ मई को उन्होंने ये ऑर्डर दिया था कि इस पर एफ दर्ज करवाई जाए अब यह है कि उस वक्त फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके ये मामला वाजे हुआ कि एक तो जब इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन में तब्दील किया गया ये जो अलकादे ट्रस्ट केस है इसको तो जो इमरान खान है उनको जो रिपोर्ट दी जानी थी वो रिपोर्ट नहीं दी गई दूसरा ये था कि जो वहाँ पर है कि मल्टीपल नोटिस मल्टीपल नोटिस तो था ही नहीं सिर्फ एक कॉल ऑफ नोटिस था जो कि इमरान खान को रिसीव ही नहीं हुआ था लेकिन अब एक तब्दीली तो ये कर दी गई है कि अब इंक्वायरी की स्टेज पर भी अगर चेयरमैन नैब समझते हैं कि कोई मुलजिम तवन नहीं कर रहा तो चेयरमैन नैब उसके वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकते हैं दूसरा मामला यह है कि जो अब अगर कोई नैब के कानून के तहत गिरफ़्तार होगा तो उसकी गिरफ़्तारी जो है वो चौदह उसके जिसमानी रिमांड जो है वो चौदह दिन की बजाय तीस दिन होगा तो अब अगर इमरान ख़ान नैब या के किसी केस में गिरफ़्तार होते हैं तो तीस दिन तक उनकी ज़मानत ही अप्लाई नहीं हो सकती तीस दिन तक वो नैब की तहवील में रहेंगे तीस दिन बाद उनकी ज़मानत जो है वो अप्लाई हो सकेगी और साथ ही इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस दौरान वो साकिब बशीर साहब ने भी लिखा है कि जो असल में पैटर्न नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि इमरान ख़ान को गिरफ़्तार किया जाए किसी केस में क्योंकि आ, उनके वकील जो इंतज़ार हुसैन पंजोता हैं उनके मुताबिक तो इमरान ख़ान साहब के पास दोनों केसेस में तोयशा खाना में भी और अलकादे ट्रस्ट में भी उनके पास जमानतें मौजूद हैं वो आज पेश होंगे एहसाब अदालत में वहाँ से वो ज़मानत को एक्सटेंड करवा के और फिर जाके नैब के सामने जो है वो पेश होंगे और आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक फ़ैसला सुनाया जाना है जो इमरान खान ने कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट थी वो काबिल समात ही नहीं है जिस जिसमें ख्वाजा हारिस साहब ने दलाल दिए थे और उसकी वजह से ट्रायल नीचे इमरान खान का तोशाखाना में जज जो हमायू दिलावर साहब हैं उनकी अदालत से रुका हुआ है ये वही केस है जिसमें इमरान खान को गिरफ़्तार करने के बाद इमरान खान के ऊपर फ़र्द जुर्म जो है वो आयद कर दी गई थी जिसका बाइकआउट किया था इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस साहब ने और फिर जो है ये वही केस है जिसमें आपको याद होगा ज़फ़र इकबाल साहब थे जिसमें फ़ाइल भी गुम हो गई थी ये वही केस है अब कैसेस जितने ज़्यादा ज़ाहिर है हम तो कवर करते रहते हैं हमें भी कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें मिक्स हो जाती हैं दोबारा पढ़नी पड़ती हैं देखनी पड़ती हैं पूछना पड़ता है किसी रिपोर्टर से जो उसको फॉलो कर रहा हो किसी वकील से पूछना पड़ता है लेकिन ये बरल ये वही आपको याद दिलाने के लिए ये वही कैसा है जिसमें फ़ाइल भी गुम हो गई थी अट्ठारह मार्च की तारीख को अच्छा अब यह है कि इन दो केसिज़ में तो इमरान खान साहब के वकला के मुताबिक उनके पास बेल है लेकिन अगर वो किसी और ऐसे केस में गिरफ़्तार हो जाते हैं जिसमें उनके जो उनको पता ही नहीं है उसमें वो गिरफ़्तार हो जाते हैं तो जब वो उस केस में गिरफ़्तार होंगे तो ये क्योंकि उनके यहाँ पेश नहीं हो सकेंगे नैब के इन केसेस में जो ज़मानत लगी हुई है ज़मानत की जो समात है तो ये जमानत उनकी खारिज हो जाएंगी और इन में भी नैब के केसेस में भी उनका उनकी गिरफ़्तारी जो है वो डाल दी जाएगी और अगर गिरफ़्तारी डाल दी जाती है तो फिर इमरान खान को हिरासत में रख के और फिर रोज़ाना की बुनियाद पर तोशाखाना का ट्रायल चलेगा और तोशा खाना का ट्रायल चलाकर और इमरान खान विद इन वन वीक जो है वो इसमें डिसकॉलीफाई हो सकते हैं तोशा खाना केस में और अगर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट नाकबले समात करार दे देती है तो ये बहुत बड़ा जाहिर है रिलीफ होगा क्योंकि जस्टिस आमिर फारूक साहब जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उनके ऊपर आज इमरान खान की जानब से इजहार किया गया और एक दरख्वास दायर की गई और कहा गया कि आपके पास मेरे जितने भी केसेस हैं वो आप ट्रांसफ़र कर दें किसी और के पास क्योंकि मुझे आप पर अहतम नहीं है और पूरी चार्जशीट जो है वो एक सामने रखी गई है तो अब एक तो मैंने दो इसमें नैब में तरमीम कर दी गई नैब के कानून में दो तरमीम कर दी गई एक के अब जिसमानी रिमांड चौदह दिन के बजाय एकमा होगा दूसरा यह है कि इंक्वायरी की स्टेज पर भी चेयरमैन नैब जो हैं वो वरंट गिरफ़्तारी जारी कर सकते हैं तो इसका वाज मतलब यही है कि फैसला हो चुका है कि इमरान ख़ान को नैब के कानून नैब के केसेस में गिरफ़्तार करना है लेकिन उससे पहले जिसमानी रिमांड की के दिन भी बढ़ा दिए गए हैं और साथ ही जो है जिसमानी रिमांड तो उसमें बढ़ा दिए गए दिन और साथ ही वारंट के भी ये कर दिए गए अब वो ज़रूरी नहीं है कि इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन में बदलें और इन्वेस्टिगेशन में जब आप बदलें तो फिर आप मल्टीपल कॉल ऑफ नोटिस तो ये सारी चीज़ें जो नू लीग के क्योंकि मैं तो आपको कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ जो नू लीग के लोग हैं वो ये बताते हैं कि के दो केसेज़ में इमरान खान को कन्विक्ट किया जाएगा एक तोशाखाना में और एक जो तोशाखाना और दूसरा अलकाद ट्रस्ट और हो सकता है इनमें से किसी एक केस में छः माह एक साल की जेल की सज़ा भी सुना दी जाए तो ये दो केसेस हैं जिनको जल्दी से डिसाइड किया जाएगा तोशा खाना तो बहुत जल्दी डिसाइड हो जाएगा उसमें एक या दो गवाह हैं वो तो एक हफ़्ते में डिसाइड हो जाएगा तोशाखाना लेकिन जो अलकादे ट्रस्ट है उसमें रेफरेंस दायर होगा फिर उसके ऊपर वो मामला चलेंगे वो ज़रा लंबा है लेकिन अगर एक केस में वो डिसकवालीफाई हो जाते हैं और महीना वो जेल में भी रहते हैं वो जेर हिरासत रहते हैं इनके पास जो भी नैब की हिरासत में रहते हैं और उसके बाद वो जुडिशल हो जाते हैं जुडिशल होंगे फिर उनकी बेल लगेगी फिर बेल अगर मिली तो बड़ा एक लंबा जो है वो प्रोसेस है लेकिन बाहर जिस तरह से रात की तारीखी में मतलब ये ऑर्डिनेंस जारी हुआ है उससे तो ये लगता है कि इमरान ख़ान की जल्दी गिरफ़्तारी के जो है वो इम्कान हैं उनको जल्दी गिरफ़्तार किया जाएगा और अब आज क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा लेकिन लगता यह है कि उनकी गिरफ़्तारी के कानूनी तकाज़े जो है वो पूरे कर लिए गए हैं और साथ ही उनको जो जो कवानीन में तब्दीलियाँ थी वो भी कर ली गई हैं और प्लस देखना कि कहाँ ये असम्बली का इजलाज चल रहा था वो आ, उसको तब उसको एडजेंट किया गया है उसकी तारीख बढ़ाई गई है उसको जो मुलतवी किया गया था उसको ताकि जवाज़ मिल सके सदारती ऑर्डिनेंस जारी करने का और वो ऑर्डीनेंस जारी किया गया है और वो ऑर्डिनेंस जारी होने के बाद अब जो है वो आज से ज़ाहिर है उसका अब से इतला, इतलाक़ जो है वो हो गया है और जो साबिर बशी साहब का मैंने पहले मैं आपको बता दें तो इंतज़ार मंजौथर साहब कहते हैं कि नए नायब कानून का अतलाक़ आइन के आर्टिकल 12 की रोशनी में इमरान खान के केस पर नहीं किया जा सकता क्योंकि इमरान खान के खिलाफ जितनी भी नायब इंक्वायरियाँ या तफ्तीश हो रही हैं तफ्तीशें हो रही हैं वो पहले से चल रही हैं वो सब उस कानून से पहले की हैं इस कानून से पहले किए हैं और फौजदारी कानून और आयन का आर्टिकल बारह इस पर वाजह है कि नई तरमीम का इतलाक़ मुस्कबिल की कार्रवाईों पर होता है हालिया हाँ चलने वाली इंक्वायरी पर नहीं हो सकता तो ये इंसार हुसैन मजौौा साहब ने यह ट्वीट किया है साकब बशीर साहब क्या कहते हैं साकिब बशीर साहब ने ट्वीट किया है आ, पहले तो उन्होंने उसके ऊपर ट्वीट किया कहते हैं कि अहम खबर इमरान खान के मतलब आइंदा दो माह का मुमकिन मंजर मंजरनामा नाम, को जूँ होगा कि सदारती ऑर्डिनेंस जारी होने से नैब का रिमांड चौदह से तीस दिन होने से कम अज़ कम दो माह तक इमरान खान की ज़मानत मुमकिन नहीं होगी साथ ही कल तोशाखाना फौजदारी केस इस काबले इस समात करारे जाने के बाद स्टे ख़त्म और ट्रायल शुरू हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर स्टे हुआ हुआ है में इम्तना जारी हुआ हुआ है उनका ट्रायल रुका हुआ था तोशाखाना केस में उसके बाद वो कहते हैं सागब बशीर साहब कि सेशन कोर्ट में तोशाखाना ट्रायल में तेज़ी आएगी नायब हिरासत में होने की वजह से इमरान खान की ट्रायल के दौरान अदालत हाज़री का इशू भी नहीं होगा इलेक्शन कमीशन को सिर्फ के सिर्फ दो गवाहें बयान रिकॉर्ड कराएँगे जरा होगी दलाइल होंगे यूँ दो से तीन माह अलेक्शन से पहले बसानी ट्रायल सज़ा नायली हो जाएगी एंड में सागब बशीर साहब लिखते हैं कि मैं मैंने यह ख़बर अपनी साफ़ती समझ बूझ मालूम हालात वाक़ और फुर्तीयों को मद्द नज़र रखते हुए मद्द रखते हुए दिए है यानी जिस तरह से ये रात को कानून में तब्दीली हुई है और सदारती ऑर्डिनेस जरूर हुआ है बाकी आइन कानून सिस्टम निज़ाम के मुताबिक क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए कोई मेरी ज़्याती राय ले तो वह इस खबर से मुख्तफ होगी लेकिन आगे वो ट्वीट बरल मेरे पास स्क्रीन शॉट है आगे जो उन्होंने बरल लिखा है कि साफ़ी का काम है कि शायद आगे उन्होंने लिखा होगा कि ज़ाहिर हक को वो रिपोर्ट करें अच्छा उसके बाद साकिब बशीर साहब कहते हैं कि अलकादे ट्रस्ट केस में इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास पर कल खतमी समात से पहले की रात यह ऑर्डिनेंस जारी होना साबित करता है कि ज़मानत ख़ारिज होने पर गिरफ़्तारी की सूरत में फिज़िकल रिमांड चौदह की बजाय तीस दिन होगा यूं इमरान खान दो हफ़्तों की बजाय चार हफ़्तों तक दरखास्त ज़मानत दायर करने के अहल नहीं होंगे और ज़ाहिर एक माह बाद तो वो होंगे जुडिशल होंगे फिर नोटिस होते होते तो वही दो माह जो हैं वो लग जाएंगे तो इस वक्त तक जो सिनेरियो है वो यही है लग ये रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं उनके उनको गिरफ़्तार करने के लिए जो कानूनी तकाज़े हैं वो पूरे कर लिए गए हैं कानून में तब्दीली कर ली गई है और आज उन्होंने पेश भी होना है तो अब लगता ही है कि उनकी गिरफ़्तारी का फ़ैसला जो है वो हो गया है और वो आज कल परसों जब भी उनको गिरफ़्तार करना चाहे वो गिरफ़्तार किए जा सकते हैं और अगर इमरान खान अगले तीन चार दिन में गिरफ़्तार नहीं होते तो मेरे लिए बड़ी ख़बर होगी कि उनका गिरफ़्तार ना होना क्योंकि जिस तरह से कानून में तब्दीली सिदारती ऑर्डीनेस जिस तरह से ये तेज़ी में हुआ है सारा कुछ इससे यह लगता है कि मामला जो है वो अब इमरान खान की गिरफ्तारी की तरफ जा रहे हैं और क्योंकि हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा था कि अगर इमरान खान गिरफ़्तार हो जाते हैं और इमरान खान जेल में होंगे डिसक्वालीफाई तो उन्होंने होना ही होना है हर सूरत में और एक भी नहीं दो केसेज़ में उन्हें तो अगर वो जेल में होंगे तो फिर शायद ये इलेक्शन की तरफ चले जाएँ और उससे पहले क्या फिर तहरीक इंसाफ क्या टिकट जारी नहीं हो सकेंगे होंगे तो किसको दिए जाएंगे एक अजीब सूरत आल तरीके इंसाफ के लिए खड़ी हो जाएगी आ, तो बहरहाल देखते हैं चीज़ें कैसे आगे है बढ़ती हैं मुझे अपने दो में याद रखें लक्की महसू का नासर हो अल्ला हाफिज़